हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कल होने वाले स्मैकडाउन यानी कि 28 अगस्त 2020 को होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेफ हार्डी और एजे स्टाइल्स के बारे में। दोस्तों, एजे स्टाइल्स ने पिछले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में फेस किया था जेफ हार्डी को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में, और जेफ हार्डी ने एजे स्टाइल्स को हराकर उनसे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीत लिया। और क्योंकि सिर्फ 3 दिन बचे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपरव्यू में, इसलिए कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एजे स्टाइल्स चैलेंज करेंगे जेफ हार्डी को चैंपियनशिप के मैच के लिए, और इन दोनों का मैच फिक्स हो जाएगा पेबैक 2020 में। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर इन दोनों का फिर से मैच हुआ तो कौन जीतेगा, द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स या फिर नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जेफ हार्डी? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आस्का को हराकर बेली ने उनकी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप बचा ली थी, और मैंडी रोज ने सोनिया डेविल को हराकर उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल दिया है। और उसके बाद मैंडी ने कहा था कि वो अब स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनने के लिए तैयार है, इसलिए कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में बेली और मैंडी रोज का मैच होगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और क्योंकि पेबैक 2020 में बेली और साशा बैंक्स फेस कर रही हैं नाया जैक्स और शायना बेजलर को वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में, इसलिए कल के स्मैकडाउन में शायना और नाया जैक्स अटैक कर सकती हैं बेली और साशा बैंक्स पर। दोस्तों, स्मैकडाउन में मैट रिडल और किंग कॉर्बिन का भी फ्यूड चल रहा है, इसलिए कल इन दोनों का भी ब्रॉल हमें देखने को मिल सकता है, और इन दोनों का मैच सेट होगा पेबैक 2020 में। और स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस शिंस्के नाकामुरा और सीजारो को कोई न्यू टैग टीम चैलेंज करेगी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में, और बिगी और शेमस का भी ब्रॉल हमें देखने मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्सल चैंपियन द फिंड ब्रे वाइट, ब्रॉन स्ट्रोमन और रोमन रेंस के बारे में। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि समर स्लैम 2020 में रोमन रेंस ने रिटर्न आकर ब्रॉन स्ट्रोमन और द फिंड ब्रे वाइट पे अटैक कर दिया था, और इसलिए अब इन तीनों का नो होल्ड्स बार्ड मैच हो रहा है पेबैक 2020 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये अनाउंस किया है कि रोमन, ब्रॉन और द फिंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे इनके पेबैक 2020 में होने वाले ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए। दोस्तों, रोमन रेंस का एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो गया है और वो काफी गुस्से में भी नजर आ रहे हैं, और इसलिए कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वो फिर से अटैक करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन और द फिंड ब्रे वाइट पर। और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि द रिट्रीब्यूशन टीम के लीडर रोमन रेंस हो सकते हैं, इसलिए ये बात भी कल रिवील हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से पेबैक 2020 में इन तीनों के मैच में कौन जीतेगा, यूनिवर्सल चैंपियन द फिंड ब्रे वाइट, द मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन या फिर द बिग डॉग रोमन रेंस? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस हफ्ते के स्मैकडाउन इंडिया में सैटरडे 29 अगस्त की सुबह 5:30 बजे से सोनी 10-1 और सोनी 10-3 बदेगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।